मधुमेह के नाम से जाना जाता है, अंग्रेजी में डायबिटीज के नाम से जाना जाता है, और चलती फिरती भाषा में उसको शुगर रोग के बारे में, शुगर रोग के नाम से जाना जाता है। इस बीमारी पर बात करने के लिए हम आपसे सबसे पहले ये बताएंगे कि ये एक बीमारी क्यों होती है। तो कुछ लोगों में ये बीमारी खानदानी होती है, जिनके माँ बाप शुगर से पीड़ित रहे हैं उनको होने की संभावना ज़्यादा रहती है। दूसरा यह है कि अगर आप जिस मात्रा में कैलोरी या भोजन लेते हैं और उस हिसाब से आप काम नहीं करते हैं तो धीरे 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 आपको ये बीमारी हो जाती है, और आपके शरीर में जो पैनक्रियाज होता है, अग्न्याशय होता है, यहाँ पसलियों के नीचे होता है, तो वो पैनक्रियाज खाने को पचाने का काम करता है और एक इंसुलिन निकालता है जिसके माध्यम से आपके ग्लूकोज और आपकी चीनी का शमन करता है। तो उसके इंसुलिन की निकलने की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो आपका शुगर है वो सीधे आंतों में जाने लगता है और आंतों के माध्यम से आपके ब्लड में पहुंचता है। ब्लड में ज़्यादा मात्रा में शुगर पहुंचने के बाद में फिर आपके यूरिन में आना शुरू हो जाता है और इसे पता चलने लगता है कि आदमी को शुगर हो गया। तो शुगर के बारे में ये जान लीजिए कि उसके क्या क्या लक्षण हैं। सबसे पहले लक्षण ये है कि बार बार पेशाब लगना, बार बार प्यास लगना, बार बार भूख लगना, थकावट महसूस होना, आँखों से धुंधलापन दिखाई पड़ना, और इसके साथ साथ अगर आपको ये महसूस हो कि हमारा वज़न लगातार कम हो रहा है और 4 से 5 किलो वज़न लगातार अचानक कम हो जाए तो आप ये मान करके चलें कि आपको शुगर हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो लक्षण हमने बताए हैं वो लक्षण केवल शुगर के ही हैं, हो सकता है किसी और बीमारी के भी लक्षण हों। तो इसमें दो तरह का टेस्ट होता है। एक टेस्ट ब्लड शुगर के लिए होता है, तो वो आप ब्लड शुगर खाली पेट टेस्ट कराएंगे और आपका अगर 70 से 110 के बीच में आता है तो आप ये मान सकते हैं कि आपको शुगर नहीं है। दूसरा टेस्ट खाना खाने के 2 घंटे बाद कराया जाता है और उसमें देखा जाता है कि कितनी मात्रा में आपका शुगर बढ़ा हुआ है, उससे जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद में तीसरा टेस्ट है HbA1c टेस्ट। थोड़ा महंगा टेस्ट है, 500-600 रुपये लगता है उसमें, और वो पिछले 3 महीने के आपके शुगर लेवल का रिकॉर्ड बताता है। तो अगर आपको कंफर्म हो गया है कि शुगर है, तो शुगर भी 2 तरह के होते हैं। एक शुगर होता है जिसको टाइप 1 का शुगर कहते हैं, और दूसरा जो होता है मधुमेह वो टाइप 2 होता है। तो ज़्यादातर लोगों को टाइप 2 होता है और उसमें इंसुलिन के बजाय दवाइयों पर उनको निर्भर रहना होता है। टाइप 1 के लोगों को तो इंसुलिन देना पड़ता है, इंसुलिन का इंजेक्शन, लेकिन टाइप 2 के लोग दवा और परहेज करें तो वो ठीक हो सकते हैं। तो जिन दवाइयों का पहली बात तो आप ज़रूर डॉक्टर से संपर्क ले लें और देख लें कि उस दवा के माध्यम से अपने बढ़े हुए शुगर को कंट्रोल कर लें। अंग्रेजी दवा आपकी जो लिखी गई है उसको चलाते रहें। साथ साथ में कुछ आपको ये काम ये करना है कि एक तो करेले की सब्जी खाएं, करेला कच्चा खाएं, करेले का जूस खाएं। दूसरा यह सदाबहार है, और अगर आपको इसका जो लाल फूल के बजाय अगर सफ़ेद फूल मिलता है तो उस फूल को 4-5 फूल खाएं। और परहेज में चावल, सफ़ेद चावल, चीनी, घुली हुई चीनी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे चाय हो या कुछ और हो, और आलू, ये 3 चीज़ों का खास तौर पर परहेज करना है। और साथ में मिक्स अनाज, मिक्स सब्जियां और मिक्स दालों का प्रयोग करना है। दूध से बने पदार्थों का को प्रयोग करना है ताकि आपके शरीर में लगातार ऊर्जा बनी रहे। तो रोज़ सुबह 40 मिनट घूमिए, शाम को 20 मिनट घूमिए। पैरों में चोट नहीं लगने देना है, पैर बहुत सुरक्षित करके रखना है। इसके जो सबसे घातक परिणाम होते हैं उसमें यह है कि हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, जिसमें अगर अगर आप इस पर बीमारी पर ध्यान न दें तो 10 साल पहले ही हार्ट का खतरा आ जाता है सामने। दूसरा जो सबसे बड़ा खतरा है वो आँखों से अंधापन हो जाना, आँखों से कम दिखाई पड़ना, ये इस बीमारी का लक्षण है। और तीसरा जो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपके ब्रेन स्ट्रोक भी हो जाता है, क्योंकि ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाने से, और कई घातक बीमारियां भी आपके शरीर को लग जाती हैं। अगर इस बीमारी में टीबी का रोग है तो वो और भी ज़्यादा घातक है। और एक जो बड़ी बात यह है कि पैरों में अगर चोट लग जाए तो फिर घाव सही नहीं होता है, और उसको उंगलियों को और पैरों को काट करके अगर गैंग्रीन हो जाए तो उसे अलग करना पड़ता है। तो इन सभी बीमारियों से बचने के लिए परहेज बहुत आवश्यक है, व्यायाम आवश्यक है, और नियमित रूप से डॉक्टरों की सलाह लेते रहना ज़रूरी है। हमने आपको ये बताने की कोशिश की है इस बीमारी के बारे में, लेकिन आपको मेरी बातों को मानना नहीं है। आपको पहले जान लेना है अच्छी तरह, इसके बाद में समझ में आए तो इन बातों को मानना है। मैंने जो जाना उससे आपको बताने की कोशिश की। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं स्वयं इस बीमारी का मरीज रहा हूँ, तो इसके नाते मैंने जो कुछ सीखा पढ़ा वो आपको बताने की कोशिश की है। धन्यवाद।